वेलकम टू शेखावत मॉडिफायर। सो आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो थोड़े टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, आप लोगों से पूछा था कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो आप में से बहुत से लोगों को जो है एलईडी हेडलाइट पर वीडियो चाहिए था, जो कि अंडर बजट हो, मतलब 300 रुपये से नीचे नीचे हो। तो आज के वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं टोटल 6 बल्ब आपको दिखाऊंगा जो 100 रुपये से स्टार्टिंग होते हैं 250 रुपीज तक आपको मिल जाएंगे। तो टोटल आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सिंपल व्हाइट कलर भी मिलेगा और साथ में आपको जो है मल्टी कलर का ऑप्शन भी यहाँ मिलने वाला है। तो आपको उनमें से जो भी पसंद आता है पूरा आप रिव्यू चेक कर लीजिए, जो भी आपको पसंद आता है वो आप बाय कर लीजिए। आपको जो है पूरा प्रोसेस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, तो पूरे वीडियो का एंड तक देखते रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। सो गाइस स्टार्टिंग करते हैं सबसे चीप रेट वाली लाइट से। सो ये जो हेडलाइट है 100 रुपीज से स्टार्टिंग हो जाती है। सामने की तरफ 3 LED मिलेगा, मल्टी कलर आपको इसके अंदर मोड मिलेंगे। तो H4 सॉकेट के अंदर ये लगती है। और एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, जितने भी LED लाइट होती है सभी जो है DC पे वर्क करती है। तो DC कनेक्शन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, उसका भी पूरा वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर हाई बीम लो बीम दोनों वर्क करेगा। एक लो बीम पे आपको जो इसके मल्टी कलर मोड मिलेंगे, फ्लैश मोड मिलेगा, और हाई बीम पे इसका जो बीच का सेंटर है वाइट कलर, वो सिर्फ वो काम करेगा। सो वाइट कलर का थ्रो कुछ इस तरह का है। तो ओवरऑल 100 रुपये के हिसाब से बहुत सही है, मतलब आप अंडर बजट अगर आपका 100 रुपये तक का है तो ये लाइट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जो विजिबिलिटी इसके अंदर मिलती है ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका काम चल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा LED बल्ब है वो 150 रुपीज़ की रेंज में आपको मिल जाता है। तो इसको जो है ड्रैगन आई हेडलाइट बल्ब बोलते हैं। इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, इसके अंदर आपको रेड कलर की एक बीम मिलती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो सेम ये भी जो है हाई बीम लो बीम पे वर्क करेगा, H4 होल्डर के साथ मिलेगा, और ये भी जो है पूरा DC पे काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो इसका ड्रैगन आई दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। सो जैसे ही आप इसको जो है लो बीम पे रखेंगे, इसके अंदर जो है एक रेड कलर का डॉट चलेगा जो सामने की तरफ लेज़र भी पॉइंट करेगा। सो कुछ इस तरह का जो इसका लुक आता है, लुक काफ़ी अच्छा लगता है ये नाइट टाइम में, और यहाँ पर लेज़र कुछ इस तरह की दिखेगी आपको। सो गाइस ये जितने भी बल्ब है H4 होल्डर के साथ आप किसी भी व्हीकल के अंदर यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी मोटरसाइकिल स्कूटी के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो है थ्रो कुछ इस तरह का है, आप यहाँ देख लीजिए। तो वाइट कलर की लाइट तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, लेकिन स्प्रेड इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना आप दूर करेंगे फोकस उतनी दूरी का आपको इसमें मिलेगा। तो लाइट बहुत दूर तक जा रही है, बस इसके अंदर यही प्रॉब्लम है, स्प्रेड ज़्यादा नहीं है। आपको जो रोड जो है एक लिमिटेड कवर मिलेगी, तो ओवरऑल ठीक है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने व्हीकल के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है मिनी लेंस प्रोजेक्टर, जिसको आप 2-3 नामों से जानते हैं। मिनी लेंस बोलते हैं इसको, मिनी प्रोजेक्टर भी बोलते हैं। सो ये सेम 100 रुपये वाली लाइट जैसे ही काम करेगा साइड DRL से, लेकिन फ्रंट की तरफ यहाँ पर एक रिंग लाइट मिलेगी जो अलग कलर में चलेगी। अंदर की तरफ आपको वाइट लाइट मिलेगी, और आपको इसके अंदर लेज़र मोड भी मिलने वाला है। तो ये किस तरह से वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी जो है H4 सॉकेट के साथ आपको मिलेगा, किसी भी व्हीकल में आप इसे यूज़ कर सकते हो, स्कूटी एक्टिवा बाइक किसी भी व्हीकल में इसे लगा सकते हो। और अभी जो इसका मैं रिंग मोड आपको दिखा रहा हूँ, रिंग मोड में ओवरऑल 3 कलर है, रेड ब्लू पिंक एंड एक फ्लैश मोड। तो इसके हिसाब से जो आप सामने की तरफ की रिंग देखेंगे उसके अंदर भी देख लीजिए लेज़र मिलेगी आपको। सो गाइस इसका जो वाइड लाइट है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे अभी तक, क्योंकि इसके जो स्प्रेड है वो बहुत ही बढ़िया है, और ओवरऑल 200 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छी इसकी जो है विजिबिलिटी है। थोड़ा सा दूर तक भी इसकी लाइट जाती है, कैमरे के अंदर अच्छे से आपको नहीं दिख पाएगी, रियलिटी में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा स्प्रेड इसके अंदर आपको मिलता है। तो ये जो सभी है बहुत ही कम रेंज के अंदर दिए गए बल्ब है, अगर आप रेंज 300-400 तक भी करते हो तो आप एक अच्छी फैन LED भी ले सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो एक गोल्डन मिसाइल बल्ब है, जिसकी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रही है मेरे को कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने एक पहले भी एक पार्ट बनाया था ऑल LED हेडलाइट के नाम से ही, तो उसके अंदर इसका वीडियो नहीं डाला था। तो आप लोगों के बहुत कमेंट थे इसको लेके। तो ये जो है H4 सॉकेट के अंदर आपको मिलती है, किसी भी बाइक के अंदर यूज़ कर सकते हो, पूरी हार्ड क्वालिटी की इसके अंदर आपको जो है बॉडी मिलती है। सामने की तरफ एक लेंस मिलता है, ड्यूल कोब मिलते हैं आपको हाई बीम लो बीम के लिए। तो जो लेंस है वो लो बीम पे काम नहीं करेगा, वो आपका हाई बीम पे ही काम करेगा। तो इसका भी बहुत अच्छा स्प्रेड है, तो नाइट टाइम का आप स्प्रेड देख लीजिए किस तरह की रोशनी है। तो ओवरऑल मेरे यहाँ जो है 50-60 मीटर अच्छे से कवर हो रहा है, मतलब इसके सहारे आप इजीली जो है अपनी बाइक या अपना कोई भी 2-व्हीलर चला सकते हो। तो अभी तक का ये सबसे बेस्ट ही LED हेडलाइट है जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं, बाकी आपको आगे 2 या 3 और मैं दिखा देता हूँ, तो जो भी उसमें से पसंद आता है वो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। सो गाइस इसकी रेंज जो है 250 रुपीज़ के अंदर आपको मिलती है।
सो नेक्स्ट हमारा 250 की रेंज में एक मल्टी कलर के अंदर ऑप्शन मिल जाता है। सो ये जो बल्ब थे जो मैंने गोल्डन मिसाइल और ये आपको दिखाए, ये दोनों 30-30 वोट के हैं, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, बैटरी का भी कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों जो है फैनलेस है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के इसके अंदर LED चिप दिए गए हैं, 6 LED चिप जो है वो वाइट कलर के आपके ग्लो करेंगे, और जो ऊपर की तरफ 6 दिए गए हैं उनके अंदर मल्टी कलर मिलेगा आपको, ब्लू मिलेगा उनके अंदर, और एक जो है फ्लैशिंग मोड मिलेगा। तो ये किस तरह से वर्क करता है आपको मैं सबसे पहले एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको जो है हाई बीम पे यूज़ करेंगे आपको जो इसके अंदर वाइट कलर की रोशनी मिलेगी, तो ये बहुत ही ब्राइट है, 30 वोट का आउटपुट आपको मिलेगा। एंड ब्लू कलर का जो मोड है वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है, ये ब्लू की भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, तो ब्लू को भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो है चलान घट सकता है। फ्लैश मोड को भी आप ज़्यादातर यूज़ ना करें सिटी के अंदर, अगर आप ऑफ रोड करते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर वाइट लाइट है उसकी विजिबिलिटी कुछ इस तरह की है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है जैसे आपकी गोल्डन मिसाइल काम कर रही है, अच्छा खासा स्प्रेड मिलेगा, अच्छी खासी दूरी भी विजिबिलिटी मिलेगी आपको, तो इजीली आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो आपके किसी भी H4 सॉकेट के व्हीकल में। तो गाइस मेरे बहुत से भाइयों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये जो टू व्हीलर के बल्ब होते हैं फोर व्हीलर में भी डालने की कोशिश करते हैं छोटी गाड़ियों में, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फोर व्हीलर के हिसाब से बहुत कम रोशनी होती है इनकी। सो नेक्स्ट हमारा जो ये रिंग LED हेडलाइट बल्ब है, तो ये भी सेम आपको जो है इसके अंदर आपको सिंगल चिप मिलेगी जो 30 वोट का आउटपुट आपको देती है, और इसका जो लो बीम है उसके ऊपर आपको एक रिंग मिलेगी, कुछ इस तरह की हमारी रिंग है, तो रिंग पूरी ब्लू कलर की ग्लो करती है, और ये एक तरह से बिल्कुल यूनिक आइटम है और बहुत ही प्यारा लुक देता है आपके व्हीकल को। इसके अंदर जो है आपको अलग से रिंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जो है इनबिल्ट आपको इसके अंदर रिंग मिल जाती है। तो ये किस तरह से काम करता है सबसे पहले मैं आपको इसका रिंग मोड दिखा देता हूँ। सो गाइस फ़ोन कैमरा से आपको अच्छे से कवर ना हो लेकिन ये बहुत ही प्यारा लुक दे रही है आपका व्हीकल के अंदर आप इसको जो यूज़ करते हैं, तो सिंगल चिप कुछ इस तरह से ग्लो करती है, तो इसका भी बहुत अच्छा थ्रो आपको मिलता है हाफ रिफ्लेक्टर के अंदर कुछ इस तरह का इसके अंदर जो है ग्लो करता है। तो अभी तक का सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा, इसका स्प्रेड सबसे ज़्यादा है, विजिबिलिटी भी जितना आपको नॉर्मली चाहिए उतनी दूरी आपको मिल रही है। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ सारे रिव्यू आपको सही से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिलेगा, डायरेक्ट कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो, और सभी LED को जो है आप अपनी लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। फर्स्ट आप जो है प्राइस कंपेरिजन कर दीजिए, मैंने आपको जो है सारे रिटेल रेट बता दिए हैं, तो आप प्राइस कंपेयर करिए, अगर आपको सस्ता मिलता है तो ठीक है, वरना आप डायरेक्ट मुझसे भी बाय कर सकते हैं, मेरी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डिलीवरी आपको कुरियर के थ्रू ऑल इंडिया अवेलेबल है, तो जिस भी भाई को ऑर्डर करना है डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।